जय श्री राधे राधे। मित्रों, मैं प्रमोद शुक्ला आज आपको शनि के राशि परिवर्तन पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं, किनको शनि की साथी होती है और किनको शनि की ढैया होती है। कहते हैं अगर शनि कुंडली में मजबूत स्थिति में विराजमान है तो शनि की महादशा के दौरान काफ़ी शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर शनि कमजोर है तो शनि की दशा बहुत कष्टदायी साबित होती है। जब भी शनि का राशि परिवर्तन होता है किन्हीं तीन राशियों पर शनि की साढ़े साथी चलती है और किन्हीं दो राशियों पर शनि की ढैया चलती है। ज्योतिष के अनुसार शनि की ये दोनों ही दशा काफ़ी अहम मानी जाती है। आपको बताते हैं कि जनवरी 2020 से अप्रैल 2022 तक शनि मकर राशि में गोचर है और इस अवधि में मिथुन और तुला राशि वालों पर शनि की ढैया रहेगी। 29 अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक शनि कुंभ राशि में गोचर हैं। इस दौरान कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया रहेगी। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 शनि मकर राशि में रहेंगे। मिथुन और तुला राशि वालों पर शनि की ढैया रहेगी। 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में रहेंगे। कर्क और वृश्चिक वालों पर शनि की ढैया रहेगी। 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक शनि मीन राशि में रहेंगे। सिंह और धन वालों पर शनि की ढैया रहेगी। 3 जून 2027 से 20 अक्टूबर 2027 तक शनि मेघ राशि में गोचर रहेंगे। कन्या और मकर राशि वालों पर शनि की ढैया रहेगी। 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मीन राशि में रहेंगे। सिंह और धन वालों पर शनि की ढैया चलेगी। 23 फरवरी 2028 से 8 अगस्त 2029 तक शनि मेघ राशि में गोचर रहेंगे। कन्या और मकर राशि वालों पर शनि की ढैया रहेगी। 8 अगस्त 2029 से 5 अक्टूबर 2029 तक शनि वृष राशि में गोचर रहेंगे। तुला और कुंभ राशि वालों पर शनि की ढैया रहेगी। 5 अक्टूबर 2029 से 17 अप्रैल 2023 तक शनि मेघ राशि में रहेंगे। कन्या और मकर राशि वालों पर शनि की ढैया रहेगी। 17 अप्रैल 2023 से 31 मई 2032 तक शनि वृष राशि में रहेंगे। तुला और कुंभ राशि वालों पर शनि की ढैया रहेगी। 2021 से लेकर 2031 तक 9 राशियों को शनि की ढैया का सामना करना पड़ेगा। वहीं मीन मेघ और वृष राशि वाले जातक इससे पूरी तरह से मुक्त रहेंगे। बाकी अन्य राशियों पर कभी न कभी शनि की ढैया चलती रहेगी। तीन राशियां मीन मेघ वृष, तीन राशियों के जातकों को शनि से मुक्ति रहेगी। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हुई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।